गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आउटफिट आइडियाज़ जो आप समर में कैरी कर सकते हैं। 7 आउटफिट आइडियाज़ मैं आपको दूंगी जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और साथ में स्टाइलिश भी लगेंगे, क्योंकि गर्मियों में कंफर्टेबल हमारी प्रायोरिटी हो जाती है, बट अगर उसी के साथ स्टाइल भी मिल जाए तो क्या बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड या जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी आउटफिट्स मैंने कैरी किए होंगे, उन सबको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, सारे आइटम्स वहाँ पे एडेड होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर सच मोर कंटेंट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो 7 आउटफिट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये उन सब लोगों के लिए होंगे जो इंडियन वेयर डालते हैं या वेस्टर्न वेयर डालते हैं, इंडो वेस्टर्न, एंड जो लोग सब चीज़ें डालते हैं, तो उनके लिए तो पूरी वीडियो ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटफिट से, जो समर के अंदर आप डालेंगे तो काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा और साथ में स्टाइलिश भी लगेगा। तो वो है कॉटन या लिनन पैंट्स। जीन्स का जो स्टफ़ है वो थोड़ा मोटा होता है और गर्मियों में स्पेशली कंफर्टेबल नहीं लगता अगर हम जीन्स डालते हैं, लेकिन अगर आपको उसे सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, तो आप कॉटन या लिनन की ट्राउज़र्स डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। एंड जो ट्राउज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहनने के बाद इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लोई है। गर्मियों में ऐसे पहन के बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है एंड यू कैन सी कि कितना अच्छे से हाइट का इल्यूज़न भी आ रहा है। काफ़ी लॉन्ग है ये, मैंने अमेजोन से लिए, अमेजोन का जो खुद का ब्रांड है वहीं से मैंने ये लिया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है। तो इस तरह की पैंट्स आप ले सकते हैं, ये जो लिनन में आती है वो पैंट्स आप ट्राई कर सकते हैं। एंड यस, जीन्स आप इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, जो भी ऐसी हैं जो काफ़ी बॉडी हगिंग होती है या थिक मटेरियल में होती है। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है आप अपनी कुर्तीज़ को एज ए कुर्ती ड्रेस स्टाइल कर सकते हैं। मैंने जो कुर्ती रेड कलर की कुछ दिन पहले डाली थी और उसकी मैंने एक शॉर्ट्स आपके साथ शेयर की थी, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी कि वो मैंने कहाँ से ली है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये कुर्ती है ग्लोबल देसी ब्रांड की, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और रेयन मटेरियल है। इस तरह की कुर्तीज़ है, आप लेगिंग के साथ, प्लाजोज के साथ तो पेयर कर ही सकते हैं, साथ में एज ए कुर्ती ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हैं। आपको जस्ट एक बेल्ट ऐड करनी है। एंड यस, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने थोड़ा ऊपर से इसे लूज़ कर लिया है। एंड या इसके अंदर पॉकेट भी है, आप स्नीकर्स के साथ इसे स्टाइल कीजिए, काफ़ी अच्छा कैजुअल एंड समर अप्रोप्रिएट लुक क्रिएट हो जाता है। एंड इस तरह की कलरफुल कुर्तीज़ आप ले सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है और साथ में कंफर्टेबल भी है। उसके अलावा एक दो और ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। नाउ जो थर्ड आउटफिट आइडिया है समर के लिए वो है काफ्तान। मैंने ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी काफ्तान शेयर किए हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आए हैं। शॉर्ट में अगर आप लेना चाहें तो ये ग्रीन कलर का जॉर्जेट मटेरियल में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आप शॉर्ट प्रेफर नहीं करते तो लॉन्ग काफ्तान्स भी हैं, मैंने ब्लैक कलर का लिया है इन चिकनकारी। काफ्तान इज़ न्यू ट्रेंड, या लास्ट ईयर से आ गया था ये, जब से ये वर्क फ्रॉम होम या घर पे रहने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं जो काफ़ी स्मार्ट लगते हैं और साथ में कंफर्टेबल भी लगते हैं। और ऐसा ही नहीं कि आप इन्हें घर पे ही डालें, आप इन्हें बाहर भी कैरी कर सकते हैं, आप उसे एज अ कवर अप भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ्तान्स आप अपने वार्डरोब में इंक्लूड कर सकते हैं एंड या समर में स्टाइल कर सकते हैं। नाउ फोर समर आउटफिट ऑप्शन इज़ चिकनकारी। जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि चिकनकारी का काफ्तान, ऐसी चिकनकारी की जो कुर्तीज़ है, चाहे वो शॉर्ट लेंथ में है या लॉन्ग लेंथ में है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी शेयर की थी जब गर्मियां स्टार्ट हुई थी, क्योंकि गर्मियों के अंदर चिकनकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें काफ़ी सारी चिकनकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। एंड चिकनकारी इज समथिंग वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज ये एवरग्रीन होती है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रेंड आता चला जाता है। हर गर्मियों में आप इस तरह की चिकनकारी कुर्ती स्टाइल कर सकते हैं इन वर्सेटाइल वेज। सो यस, चिकनकारी कुर्तीज़ तो आपके वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए और आप इन्हें समर में बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं, कलरफुल ले सकते हैं या वाइट कलर में, जो भी आपको अच्छा लगे। तो चिकनकारी इज़ माय पर्सनल फेवरेट एंड समर्स में मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं। नाउ फिफ्थ आउटफिट जो आप समर में कैरी कर सकते हैं, या जंप सूट्स भी आप गर्मियों में ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं। ध्यान रखिएगा सिंथेटिक या पॉलिएस्टर बेस ना हो, कॉटन या रेयन में ले सकते हैं, मैंने लिया है ये रेयन के अंदर। आपको एथनिक प्रिंट्स में भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे
एंड या इस तरह के यू नो लाइट शेड्स के अंदर लेंगे तो समर में काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगते हैं। और इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के लिए आप इसे सिल्वर ज्वेलरी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। नाउ सिक्स टाइप ऑफ आउटफिट जो आप गर्मियों में कैरी कर सकते हैं वो है फ्लोरल कुर्तीज। फ्लोरल कुर्तीज आप कॉटन में ले सकते हैं, रेयन में ले सकते हैं, स्ट्रेट फिट में भी ले सकते हैं, फ्लेयर ले सकते हैं, ए लाइन कैसी भी, एंड आप पेस्टल कलर्स में लेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यस, समर के अंदर फ्लोरल कुर्तीज फ्लॉन्ट करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, काफ़ी आई सूदिंग लगती है, आपको भी पहन के काफ़ी अच्छा लगेगा, इवन जो देखेगा उसको भी काफ़ी फ्रेश फील होगा। तो यस, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लोरल कुर्तीज। नाउ जो लास्ट ऑप्शन है, सेवेंथ ऑप्शन, वो है साड़ी लवर्स के लिए जिन्हें साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो यस, मेरे पास है इसके भी फ्लोरल प्रिंट के कुछ ऑप्शंस। मेरे पास एक बहुत पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, पेस्टल कलर के अंदर, यू नो ऑफ वाइट बेस है उसके अंदर, और फ्लोरल प्रिंट में एक साड़ी है जॉर्जेट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेस की डिटेलिंग है उस पर। या एंड अभी रिसेंटली मैंने ब्लैक कलर की मंगाई है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 500 की रेंज में है, और पहनने के बाद इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ब्लैक कलर के अंदर, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो इस तरह की फ्लोरल प्रिंट की साड़ीज़ भी आप कैरी कर सकते हैं गर्मियों में, अगर जॉर्जेट, शिफॉन या फिर कॉटन किसी भी मटेरियल में आप ले सकते हैं। थोड़ा जो सिल्क मटेरियल है उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि सिल्क में थोड़ी सी गर्मी लगती है। इस तरह से जो फ्लोई फैब्रिक है वो आप गर्मियों में कैरी कर सकते हैं और इस तरह की साड़ीज़ भी आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं। साड़ीज़ आई नो लगता है कि अनकम्फर्टेबल होती है, लेकिन इस तरह के फाइन मटेरियल के अंदर अगर लेंगे तो काफ़ी ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे 7 ऑप्शंस जो गर्मियों में आप कैरी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और या सबके जो ऑप्शन हैं, सजेशंस हैं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आपको एक जगह पे एक वीडियो में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पर फर्स्ट लिंक में आपको सारी आइटम्स एडेड मिल जाएंगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आगे इस तरह की वीडियोस देखना चाहें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।